दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनकी बेटी अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जब से इस बात की खबर लोगों को लगी है, बच्चन परिवार के लिए दुआएं की जा रही हैं। कहीं अमिताभ बच्चन के लिए हवन किए जा रहे हैं तो कहीं उनके लिए मंदिरों में पूजा हो रही है। फैंस का ऐसा प्यार देखकर अमिताभ बच्चन भावुक हो उठे हैं। हाल ही में अमिताभ ने ट्वीट करते हुए सभी का आभार जताया। आपको बताते हैं, अमिताभ बच्चन इस समय मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अमिताभ को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। उधर अभिनेता के चाहने वाले लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अमिताभ के लिए प्यार भेज रहे हैं। ऐसा प्यार देखकर अमिताभ भी भावुक हो गए हैं। हाल ही में अस्पताल से अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, मुझे SMS, व्हाट्सएप, इंस्टा, ब्लॉग और सभी सोशल मीडिया माध्यमों से हमारी भलाई के लिए आपका आशीर्वाद, प्यार और प्रार्थनाएं मिलती हैं। मेरी कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं है। अस्पताल का प्रोटोकॉल प्रतिबंधात्मक है, मैं और अधिक नहीं कह सकता, प्यार। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक तस्वीर साझा की थी। तस्वीर के साथ कैप्शन में अमिताभ बच्चन ने लिखा, ईश्वर के चरणों में समर्पित। इस तस्वीर के जरिए अमिताभ ने खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। बता दें कि ये तस्वीर बिटुल रुक्मणी जी की है, जिनका मंदिर महाराष्ट्र के भीमा नदी के तट पर बना हुआ है। कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण को उनकी पत्नी रुक्मणी के साथ पूजा जाता है। गौरतलब है कि 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात की जानकारी अमिताभ बच्चन ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी थी। अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे परिवार का टेस्ट किया गया, जिसमें जया बच्चन को छोड़कर सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों, अगर आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके उनकी अच्छी सेहत और उनके परिवार के लिए दुआ जरूर करें। धन्यवाद।